फाइनली सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है कि कब एग्जाम्स होने वाले हैं। मेरे 11th को होने वाला है जो है ज्योग्राफी। आप लोगों में से किसी का तो होने वाला है ज्योग्राफी, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एक और एग्जाम था जो कि कैंसिल हो गया, वो बंगाली है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 31st तक तो लॉकडाउन है, अभी एक्सटेंड होता है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। आई होप कि एग्जाम हो जाए, क्योंकि एग्जाम नहीं होता तो दुख होता, क्योंकि हम जितना पढ़ के स्कोर कर सकते थे उस वो नहीं होता। अभी एग्जाम शायद से होगा तो खुश हूँ, तो अब इसके लिए अच्छे से और प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कुछ दिनों से आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई यू नो स्केचिंग स्किल्स। बहुत सारे स्किल्स हैं मेरे अंदर, तो जो भी है। तो मैं पहले लैंडस्केप पेंट करती थी, स्केच करती थी, और अभी अचानक से मेरे अंदर ऐसा कुछ जाग गया कि चलो अभी पोर्ट्रेट करो, अभी तुम्हारा पोर्ट्रेट करने का टाइम है। वैसे भी कुछ होता तो नहीं है मेरे से, बट फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो फाइनली आफ्टर 75 डेज मैं आज घर से बाहर निकल रही हूँ, कुछ काम है इसीलिए निकल रही हूँ। कुछ काम भी है तो बाहर मत निकलना। बस निकले हैं मम्मी और मैं निकले, रस्ते मतलब लोग होंगे वैसे बिल्कुल नहीं है। तो मैं आ चुकी हूँ और आके थोड़ा सा फ्रेश भी हो गई, क्योंकि बाहर से आई हूँ और क्या ही कर सकते हैं। तो मैं बाहर गई तो थी, लेकिन मैंने सोचा था कि ज़्यादा लोग नहीं होंगे, एक दो गाड़ियाँ होंगी शायद से, पर मैं जब गई वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। मैं जहाँ पे गई थी, जिस ऑफिस में मैं गई थी वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा था, पर रस्ते में बहुत ज़्यादा लोग थे। लॉकडाउन कहाँ है लॉकडाउन। तो बैठे बैठे मम्मी और मैं दोनों बोर हो रहे थे, तो मैंने सोचा एक मास्क बनाते हैं घर पे। तो मम्मी ने बोला कि आइडिया अच्छा है, चलो बनाते हैं। तो इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो तो है हमारे पास। फिर हम दोनों ने सोचा बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम, शुरू करते हैं मास्क बनाना लेके प्रभु का। तो इस मास्क को बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमको चाहिए वो है एक कपड़ा, एक कैंची, सुई धागा। After all this jugar, the mask is ready. So let me show you. So here is the mask. उतना fancy तो नहीं बना, but जैसा भी बना है perfect. Let me show you. ये you know, you can see still इतना है और इतना तो है ही।
बस काम इतना ही करना है, इसके अंदर थोड़ा सा टिश्यू, यू नो जब भी हम इसको पहनेंगे तब थोड़ा सा टिश्यू लगा दे इसमें, तो और भी परफेक्ट हो जाएगा। वैसे बहुत अच्छा बना है, मस्त है, मस्त मस्त बना है। तो प्ले स्टोर में मैं एक ऐप डाउनलोड करने आई थी और अभी मुझे एक चीज दिखी, वो ये है कि टिकटॉक की रेटिंग डाउन हो रही है, 1.2 हो चुका है, कुछ दिन पहले 4.3 था, अभी 1.2। क्या बात। तो मेरे दोस्त मुझसे पूछे कि तू जब भी वीडियो बनाती है या फिर वीडियो अपलोड करती है तू यही टी शर्ट क्यों पहनती है, ये क्या तेरा वीडियो का टी शर्ट है, वीडियो में तू यही पहनेगी। मुझसे पूछते हैं क्या तेरे पास ये एक ही टी शर्ट है जो तू यही पहनती रहती है हमेशा। नहीं, मेरे पास है बहुत सारे टी शर्ट है, पर जिस दिन वीडियो बनाने का मन होता है उस दिन मैं पता नहीं यही पहन लेती हूँ और याद भी नहीं रहता और बाद में चेंज करने का भी मन नहीं करता। और ये ब्लॉग है यार, कोई ब्लॉग नहीं है कि मैं अच्छा सा पहन कुछ करूँ, जो होता है वही पहन लेती हूँ यार। सिंपल लाइफ, सिंपल। घर पे हूँ अब मैं, अलग अलग ड्रेस तो मैं पहन नहीं सकती, जो मैंने पहना हुआ है वही मैं करती हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है। और मैंने शायद कुछ ही व्लॉग में मैंने ये पहना हुआ है तो मुझे अच्छा लगता है, और इसके लिए सॉरी, बट आई विल चेंज, वन डे आई विल चेंज, होता है चेंज, मैं करूँगी। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टे एट होम। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना अगर अच्छा लगे तो वीडियो, और कमेंट में कुछ भी लिख दो, जो मन करे लिख दो। लाइक करना अगर अच्छा नहीं लगा, डिसलाइक करना, बट कुछ कर देना। तो मिलते हैं आपसे, बाय।